Let's move to question number 9. Question number 9 is write these as fraction. Students, मैंने आपको बताया था कि fractions जो होती है वो numerator और denominator में होती है, ठीक है? यानी कि हमारे पास digits में ये numerator होता है और ये denominator होता है, तो उसको decimal को numerator fraction में convert करने के लिए हमने देखना है कि first digit के पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे हमने उतने ज़ीरो लगाने. जस्ट सी, फर्स्ट डिजिट की जगह पे हमने वन लगा देना है हमेशा, हर जगह पे, चाहे हमारे पास टू है, वन है, नाइन है, या चाहे इलेवन है, तो हमने उसकी जगह पे जस्ट वन लगाना है. देन उसके बाद देखना है कि जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो. तो 27 बनेगा हमारा, क्योंकि 27 के बाद हमारे पास वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट है, तो हमारे पास 27/10 बच जाएगा. तो ये पॉइंट कट का हो जाएगा जब हमारे पास 10 लगेगा, बिकॉज हम लोगों ने सीखा था कि जो फ्रैक्शन, जो डेसिमल होती है ना, वो 10th हिस्सा होता है हमारे पास, तो 10th लगा देना होता है इससे. सो उसके बाद देखिए 9.4 है, तो 9.4 है, तो 4 जो है हमारे पास वन डिजिट है 9 के बाद, तो हमारा 10 आ जाएगा, तो हमारे पास 24/10 आंसर आ जाएगा. देन नेक्स्ट हमारे पास है 11.4, तो 11.4 में हमारे पास पॉइंट के बाद ओनली 4 है, तो हमारे पास 10 आ जाएगा, तो हमारे पास 114/10 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 0.0067. तो अब 0.67 में हमारे पास बच्चों 3 डिजिट्स हैं ज़ीरो पॉइंट के बाद, तो हमने 3 ज़ीरोस लगा दिए, लेकिन हमारे पास ये जो डिजिट है वो 64 हुआ, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो चुका है, तो 64/1000 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए 0.15 है, तो 0.15 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हम लोगों ने 100 लगाया, तो हमारे पास आंसर में 15/100 हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो फिनिश हो गया, क्योंकि हमारा डेसिमल ख़त्म हो गया है. 0.10 में भी सेम 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो देन 2 ज़ीरोज़ आ गए. तो उसके बाद ये देखिए कि 10/100 हमारे पास आंसर आ गया. देन सी 0.002, तो 3 डिजिट्स हैं हमारे पास पॉइंट के बाद, तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यानी कि 1000, और 2 हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो गया, तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, तो 2.1000 आंसर आ गया हमारे पास. सेम एज़ 0.005, सी 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, एंड 5/1000 आंसर आ जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कम्प्लीटेड नाउ.